फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी होममेड एक ऐसी रेसिपी जिससे आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल 21 दिन में कम हो सकता है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। 100 ग्राम जागरी पाउडर लिया हुआ है हमने, आप जागरी पाउडर का ही यूज करें, चीनी का यूज ना करें। 20 ग्राम सौंफ। सौंफ पेट की बीमारियों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, साथ ही सौंफ आपकी याददाश्त भी बढ़ाती है। सौंफ में विटामिन सी की भरपूर मात्रा पाई जाती है। अगर आप चाहते हैं कि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल ना बढ़े तो खाने के लगभग 30 मिनट के बाद एक चम्मच सौंफ खा लें। अगर आपको खांसी की समस्या है तो एक चम्मच सौंफ को 2 कप पानी में उबाल लें और इस मिश्रण को दिन में 2 बार लें तो आपकी खांसी और आंत दोनों के लिए फायदेमंद है। 20 ग्राम दालचीनी। दालचीनी के भी बहुत सारे फायदे। पेट दर्द और सीने में जलन महसूस होने पर आप दालचीनी, सौंठ, जीरा और इलायची को समान मात्रा में पीसकर गर्म पानी के साथ ले सकते हैं। कब्ज और गैस की समस्या को कम करने के लिए दालचीनी का चूर्ण और काढ़ा बनाकर पिया जाता है, साथ ही जुकाम और खाने में स्वाद बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड्स, दालचीनी के कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं। गर्भवती महिलाएं इसको ना लें और जिसको खून की समस्या पहले से हो वो लोग इसको ना लें। 20 ग्राम धनिया पाउडर। फ्रेंड्स, सौंफ, दालचीनी और धनिया पाउडर की मात्रा हमें समान रखनी है। 10 ग्राम लौंग, 10 ग्राम काली मिर्च, 10 ग्राम इलायची। हमने एक मिक्सर लिया हुआ है, उसमें ऐड करेंगे सौंफ, दालचीनी, लौंग, काली मिर्च, इलायची। धनिया पाउडर को हम नहीं डालेंगे क्योंकि ये पहले से ही पाउडर है। अगर आप खड़ी धनिया ले रहे हैं तो आप इसको डाल सकते हैं। अब हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। सारी चीज़ों को मिलाकर हमने पाउडर बना लिया है, तो चलिए आइए देख लेते हैं कि इसको हमें कैसे लेना है। हमने एक पैन लिया है, उसमें डाल देंगे 1 गिलास पानी। पानी को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच कोलेस्ट्रॉल की जो हमने दवा बना के रखी है उसको डालेंगे, 2 चम्मच जैगरी पाउडर, 1 कप पानी रहने तक पकाना है। कोलेस्ट्रॉल फ्री चाय हमारी रेडी है, तो अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और इसे छान लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप इसको पीना चाहते हैं तो आपको दूध की चाय बिल्कुल छोड़ना होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको कोलेस्ट्रॉल है तो आप दूध की चाय और दूध का सेवन बिल्कुल भी बंद कर दें और आप इस चाय को पिए, बिल्कुल आपको फायदा मिलेगा। आप यकीन मानिए, 21 दिन में आप अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल कम कर सकते हैं और आपकी चाय भी छूट सकती है।